हाँ फ्रेंड्स, आज आप सबको बताने जा रहे हैं श्रमिक कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, हमारा रिन्यूअल कितने साल का है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको जाना है किसी एक ब्राउजर में, वहाँ पर लिखना है श्रमिक कार्ड। श्रमिक कार्ड लिखने के बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है, श्रमिक सर्टिफिकेट जो लिखा गया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे श्रमिक पे जाना है, तीसरे ऑप्शन पे। श्रमिक पे जाने के बाद आपको पंजीयन यहाँ पे नीचे पांचवें नंबर पे है, नवीनीकरण की स्थिति पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ से आपको पंजीकरण नंबर डालना है, जो श्रमिक का पंजीयन नंबर है उसे यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड जो लिखा गया है उसे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सॉरी, कैप्चा कोड गलत है, फिर से हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ नीचे आ गया श्रमिक का पंजीयन विवरण, श्रमिक का नाम, जनपद किस हैं, सक्रिय हैं, श्रमिक का पंजीयन स्थिति सक्रिय है, इनका जन्मतिथि क्या है वो भी लिखा गया। नवीनीकरण के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इनका नवीनीकरण कब तक का है हम दिखा रहे हैं। श्रमिक द्वारा पूर्व में जमा की गई नवीनीकरण राशि, यहाँ पे देखिए इनका क्रमांक संख्या 5 तक है, इनका 2026 तक इनका रिन्यूअल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इनका लिखा गया है 6/2/2026 तक अगली तिथि इनका नवीनीकरण का है। तो ऐसे आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि श्रमिक कार्ड हमारा कितने साल का रिन्यूअल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल SPK को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।